أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين उसलत वसलम असूल नबी लामी वसाबीम वाजी वसलम तसलीम कसरा फ़ौजबिल्लमिल्शैतरज़ीमिन हमज़ी ऊनफ़ के हैं ऊनफ़ से बसमिल्रम वफ़ादकरिन मोहतरम नादरन वसामिन असलम आलकम वरक़ूक फ़राज इस सीरीज़ में आप तमाम का इस्तबाल हैं बात चल रही थी इसमें टीचर्स के हूक़ के सिलसिले में पिछले दरूस में चंद बुनियादी अहम हकूक़ का की तरफ जो है मैंने इशारा किया था उसी सिलसिले की कड़ी लेकर मैं आज हाजिर हुआ हूँ इसमें और मामात का एक अहम हक़ ये कि किदा मौलम माल्मात की खिदमत की जाए हसब इस उनकी मदद की जाए इस सिलसिले के सिलसिले में जो भी को जो भी कुरबानियाँ बहुत सारी क़ुरबानियाँ हैं और इसदा जैसा मैंने पिछले दरूस में बताया कि रूहानी बाप का दर्जा रखते हैं औरादा अपने तलबा अपने तालिबा के सिलसिले में इल्म कुर्बान करते हैं इम को फैलाते हैं और इस सिलसिले में दिन और रात को एक करते हैं बहुत सारी कुरबानियाँ कर देते हैं अपनी नींद को जो है कीर्बानी देते हैं और बच्चों के मुस्तबिल को संवारने के लिए बड़ी क़ुरबानी माली कुरबानी और वक्ती कुरबानी और बहुत सारी कुरबानियों को कभी भूखे प्यासे से रहकर वो पढ़ाते हैं इस तरह की बेशुमार जो है कुरबानियाँ अदा देते हैं लिहाजा तलबा पर जो है फ़र्द और वाजिब होता है कि वह अपने इस की खिदमत करें हसब इस जो भी हम खिदमत कर सकते हैं जो भी मौका अल्लाह ताली हमें मैसर कर दें कोशिश करनी चाहिए उनका हर तरीक़े से जो है उनका ताउन करें और उनकी खिदमत करके उनकी दुआएँ लें असला साहबा ने देखे अल्लाह के नबी स की खिदमत की अनसरदी अल्लाह तहु दस साल की उम्र में उनके वालदा उम्म ने लाकर अल्लाह के नबी स के हवाले किया अल्लाह के नबी से के सामने आप, आपके साथ रहकर दस साल तक अनसरद अल्लाह तिल हासिल करते रहे बहसीत तिलमीज़ बहसीत शागिरद इम हासिल करते रहे प्यारे नबी सहदीस को उन्होंने याद किया दीन को सीखा इबादतें अखलाक मामलत बहुत सारी बातें उन्होंने सीखीं और अल्लाह के नबी सा की दस साल तक ख़िदमत की प्यारे नबी सा ने उनके हक़ में दुआ की अल्लाम मबारक रहू और हर चीज़ में उनके इल्म में उम्र में माल में और हर चीज़ में बरकत की जो है प्यारे नबी से आसम दुआ दी अब्दुल्ला मसूद रदी अल्लाह तुमने जो है अल्लाह के नबी से की खिदमत की और बहुत सारे सहाबा हैं जिन्होंने प्यारे नबी सा की खिदमत की और उसके बाद भी हम देखें साहबा में बहुत सारी मिसालें मिलती हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास रौतील्लाुमा ज़ैदिन रौील्ला तौना के सवारी की रिकाफ़ को पकड़ लेते और उनके साथ चलते आप मना करते तो कहते हाँ कदा उमिरना अनफ़ अलाबिला वकुबरा क्याा और बड़े लोगों के साथ इसी तरह का अच्छा मामला करने का जो है हुक्म दिया गया उनकी खिदमत हम करें ये जो है सहाबा की मिसालें हैं सह तबयीन तब तबय बहुत सारी तारीख में जो है बेशुमार की मिसालें हमें मिलती हैं तो हर मुमकिन हम कोशिश करें जहाँ अल्लाह ताला मौका दें इस की खिदमत करें उनके काम आए उनके जो भी छोटे मोटे काम होते हैं उसको हम अंजाम दें और उनसे दुआएं लेना चाहिए और इस सिलसिले में किसी कस्म का किसी कस्म की अदियत तकलीफ़ नहीं पहुँचाना चाहिए इससे गुरेज करना चाहिए बहुत बड़ा गुनाह है और इसदा की तज़ीम व तो़िर तलबा पर लाजिम है उसके साथ साथ जो है उसदा के ख़िलाफ़ कोई ऐसा क़दम ना उठाएँ जो खरूज कहलाता हूँ जो उनकी तो़ी उनकी तज़ीम के खिलाफ हो वरना इंसान जो है इल्म से महरूम हो जाएगा इल्म से जो है इंसान महरूम हो जाए तो हम पूरी कोशिश करें इस खिदमत के सिलसिले में देखिए हारून रशीद के दो साहिबजादे जो अमीन और मामून के नाम से मशहूर हैं उनका वाक़ा अक्सर किताबों में हमें जिक्र मशकूर मिलता है इसी तरह मस्कुर हैं और इसी तरह वाहदी जो है अपने खिताब में जब खिदमत की बात आती है तो हारून रशीद के दो साहिबजादों का जो है वाक़ा ज़रूर नकल किया जाता है उनके उस्ताद की जो उन्होंने खिदमत की थी वक्त के बड़े बादशाह के बेटे लेकिन उस्ताद के लिए उन्होंने उस्ताद की खिदमत की और दोनों ने जो है जूते पहनाने का वाक़ मशहूर है उस्तास को तो इस तरह की छोटी मोटी जो खिदमत होती हैं इस के लिए पानी का इंतज़ाम करना उसा के लिए जो उनका ख्याल करना क्लास में जिन चीज़ों की ज़रूरत पेश आती है उसको पहले से उसका इंतज़ाम किया जाए या उस जब इशारा करें या कह दें उसका इंतज़ाम करना चाहिए इस तरह की जो भी खिदमत अल्लाह ताला जो हमारी ताकत में दिया है तलबा व तलबादा को चाहिए कि हम उनकी मदद करें उनकी खिदमत करें उनसे दुआएँ लें और इस सिलसिले में हर कस्म के सुस्ती कोताही से हम बचें और इंतज़ार भी ना करें कि फ़लाँ साथी कर देगा फ़लाँ कर देगा हमेशा आगे बढ़ने की हम कोशिश करें और तारीख़ में बहुत सारी मिसालें हैं हमने भी ख़ुद अपनी ज़िंदगी में देखा है कि माशाला हर क्लास में ऐसे बच्चे और बच्चियाँ होती हैं जो हमेशा खदमत के जज्बे से जो है तैयार रहते हैं तैयार रहते हैं किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं रहती माशा तो हर एक को ये फ़िक्र होनी चाहिए कि वो फीज़ा ली का फल तनाफ़ सुन व अच्छे कामों में यही इशारा हमें मिलता है इस आयत की रोशनी में हर अच्छे काम में हम आगे बढ़ना चाहिए एक दूसरे पर शबकत लेना चाहिए तो उसदा की खिदमत के सिलसिले में जो भी हम कर सकते हैं क्योंकि इस हमारे लिए कई कुरबानियाँ देते हैं तो उसका लाजमी तखाजा भी है कि हम भी जो है हर खदमत के लिए कोशिश करें उसके लिए जो है पूरा उसका ख्याल रखें अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को सही मानों में जो भी बातें हमने सुनी हैं समझने की अल्लाह तोफ़ीता फ़रमाएँ और इस मौलमी की जो है हसब इस खिदमत करने का अल्लाह हमें मौका फरमाएँ और इन खिदमत को अल्लाह कबूल फरमाएँ और इस सिलसिले में जो भी सुस्ती कोताही होती है अल्लाह ताली दरगुजर का मामला फरमाएँ आमीन सुमीन व मालैन अलबलामबी असलम वह वर्का